स्पीच, जब लोग लगातार जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं तो बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा है कि जो जहरीली शराब पिएगा वो मरेगा, शराब से मौत वालों को मुआवजा नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। ये भी नीतीश कुमार ने विधानसभा में अपने भाषण में कहा। किसी भी धर्म में शराब पीना ठीक नहीं है, नीतीश कुमार ने ये भी कहा। नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि किसी को के साथ भी हमदर्दी नहीं रखी जाएगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक था वो ये था कि जब नीतीश कुमार विधानसभा में भाषण कर रहे थे और ये बातें कह रहे थे तो उनके विधायक और मंत्री ठाके लगा रहे थे। सुनवाते हैं आपको। नीतीश कुमार इस समय विधानसभा में जो बोल रहे हैं वो हम आपको फिर से सुनवाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए सीवान के अस्पताल की, जहां पर अभी भी कुछ लोग अस्पताल में एडमिट हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली शराब का कहर जिला दर जिला अपना दायरा बढ़ाता चला जा रहा है। जहरीली शराब से मौत पर हमदर्दी नहीं दिखाएंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं, मुआवजा भी नहीं देंगे। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं शराबबंदी करना अच्छा है, मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है? अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे, यही तो बात है। ये मेरा कहा हुआ है? अभी जो हम 12 दिन सब जगह गए हैं, इसका लोग भी जो रहता था तो ही हमारे पक्ष में भाषण दे रहा था वहां, अब राज उल्टा बोल रहा तो क्या मामला हो गया? हम तो लागू किए हुए हैं, तो जो राज कर रहे हैं आज देश में उनके राज्य में भी लागू है, अब वहां पर क्या हो रहा आप जरा बताइए। हम लोग तो एक अकेला राज्य है बिहार में जो पूरा मजबूती के साथ शराबबंदी करने की कोशिश कर रहा है, और जहां कहीं भी कोई अधिकारी, आपको मालूम है इतने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और इतने लोगों को डिसमिस किया जा रहा है अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हमने तो कहा है कि भाई कोई गड़बड़ करता है तो असली उसी को पकड़िए। कोई गरीब तबका का आदमी इधर उधर, कोई मान लीजिए कि गरीबी के कारण किसी के काम में लग गया, तो उसको समझाइए कि भाई सरकार पैसा देगी, आप दूसरा काम करिए, इस काम में मत लगिए, असली चीज को पकड़िए। ये हम सबको बता दिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।